फोर्स, तो इसमें लिखिएगा फोर्स में भी डिफाइंड एज एन एजेंसी, फोर्स में भी डिफाइंड एज एन एजेंसी, ब्रैकेट में लिखिएगा अ पुश और अ पुल अपुश और अपुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, विच चेंजेस और विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। तो यहां पर देखिएगा फोर्स में भी डिफाइंड एज एन एजेंसी, ये एक ऐसी एजेंसी है, एजेंसी का मतलब काम करने वाली कोई भी एक चीज है ये, तो फोर्स होगा तो वर्क होगा, फोर्स होगा तो मोशन होगा, नहीं तो मोशन नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये देखिएगा फोर्स में भी डिफाइंड एज एन एजेंसी है पुश और अ पुल, तो आप फोर्स लगाने में क्या करते हो, या तो किसी चीज को धकेलते हो या किसी चीज को खींचते हो, या तो पुश करते हो या पुल करते हो। अब वो पुश और पुल करने से उससे क्या इफेक्ट आएगा, वो इफेक्ट देखिए, विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, कोई बड़ा भारी सा आदमी है, ठीक है, हम बड़े हल्के फुल्के से हैं, हम उसको पुश कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत हिल तो रहा है लेकिन वो मोशन में नहीं आ रहा, हल्का सा हमने उसको फोर्स लगाया या थोड़ा ताकत ज्यादा भी लगा दी हमने, अभी वो इतना भारी है, इतना भारी है कि वो हल्का सा हिल रहा है लेकिन वो मोशन में नहीं आ रहा। इसका मतलब हमारी इंटेंशन क्या है, वी टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट में है, वो आदमी इंसान खड़ा हुआ है, हम फोर्स लगाकर हम पुश करके हम उसका उसको मोशन में लाना चाह रहे हैं लेकिन वो मोशन में आ नहीं रहा बिकॉज ऑफ हिज वेट, उसका वजन इतना ज्यादा है। हाँ नहीं, उसके जो पैर हैं वो वही है, मोशन का मतलब ही ये है कि जब वो हिलेगा तो वो डिस्प्लेस होना चाहिए, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट तो हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं है जरा सा भी, तो वो जो चीज है जो उसका हिलना है, हिलने को हम क्या बोलेंगे, वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन कहलाएगा। ये हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में करेंगे SHM, कि जब कोई भी बॉडी एक ही मीन पोजिशन पर रहती है और वहीं से एक तरफ और दूसरी तरफ वाइब्रेट करती है, देन दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो अलग तरीके से पढ़ना है उसको, वो टाइम डिपेंडेंट मोशन होता है। अब इसको देखते हैं, विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, तो एक तरीका तो ये है कि हम पुश करते जा रहे हैं, धक्का लगाते जा रहे हैं लेकिन वो आदमी हिलने को तैयार नहीं है, एक ट्रक खड़ा हुआ है, हम उस पर ताकत तो पूरी लगा रहे हैं लेकिन वो हिल ही नहीं रहा है हमसे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वो मोशन में आ जाए लेकिन वो मोशन में नहीं आ रहा, तो वो भी मेरी एक फोर्स है। एक छोटा सा हल्की सी टॉय कार है, उस पर हल्का सा फोर्स लगाया तो ही उसने मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि पुश करने से मोशन भी हो गया पैदा, तो क्या हो गया, ये हमारी फोर्स है। दूसरी चीज क्या है कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उस मूविंग ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे फोर्स लगाई और फोर्स लगाकर मैंने उसको रोक दिया, तो दिस इज ऑल्सो अ फोर्स। तीसरा क्या हो सकता है कि जब हम फोर्स लगाकर किसी भी बॉडी की डायरेक्शन चेंज करें, एज इन द गेम ऑफ बैडमिंटन, गेम ऑफ टेनिस, गेम ऑफ क्रिकेट, यही होता है, बॉलर ने बॉल फेंकी, हमने बैट घुमाया, तो हमने क्या करा, बॉल हमारी तरफ आ रही थी, हमने उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, अब वो दूसरी तरफ जा रही है। तो फोर्स से दो तीन तरीके के इफेक्ट्स आते हैं, वो इफेक्ट्स नोट करिएगा। पहला इफेक्ट लिखें, हेडिंग डालेंगे इसके बाद नेक्स्ट, इफेक्ट्स प्रोड्यूस बाय अ फोर्स, इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड, इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स,
पहला इफेक्ट लिखेंगे फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई रुकी हुई बॉडी है, उस रुकी हुई बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड। आपने उसको पुश करा, मान लीजिए वो हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो गया? आपने उसकी स्पीड चेंज कर दी ना। कोई बॉडी है जो ऑलरेडी मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड, पर आपने और जोर से उसको पुश करा, तो अब क्या हो गया? उसकी स्पीड बढ़कर हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड बेसिकली चेंज कर दी आपने। बेटा एक मिनट वेट करिए, आ रहा हूँ अभी। पूरा हो रहा है ना सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज पूरा लिमिट क्लियर है, लिमिट तो टर्म टू में है, टर्म टू में है वो। तो क्या हो गया इनको? चलिए जी, तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो पहला इफेक्ट तो ये हो गया। दूसरा इफेक्ट नोट करेंगे, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। थर्ड है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो तीन इफेक्ट है ना, कोई भी प्रैक्टिकल लाइफ में से कोई भी एक क्वेश्चन बनाकर दे देंगे और ये बोलेंगे कि इसमें फोर्स का कौन सा इफेक्ट लग रहा है। तो देखिएगा कि ये पहला तो समझ में आ गया होगा, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बहुत सारे एग्जांपल हैं, टेनिस का गेम हो गया, टेबल टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, ठीक है। तो ये तो सारे के सारे वो हैं कि डायरेक्शन जिसमें हम चेंज कर देते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम खाना बनाते हैं तो जैसे आटा गूंथते हैं उसमें, तो आटा क्या है? पाउडर्ड फॉर्म में फैला हुआ है, हमने उसमें पानी मिलाया, पानी मिलाकर हमने थोड़ा सा उसको घुमाना शुरू करा तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। आटा गुदा हुआ रखा है, आपने थोड़ा सा और उसको दबा दिया, वो फैल गया। तो फोर्स लगाकर आपने क्या करा? आपने उस ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर दी, ठीक है। तो ये तीन इफेक्ट्स हैं, इस पर किसी भी तरीके का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाकर दे सकते हैं कि कौन सा इफेक्ट यूज हो रहा है, बताइए, ठीक है। तो हाँ, वो भी वही है, ऑब्जेक्ट को तोड़ना भी उसकी शेप चेंज करना है। तोड़ने ताड़ने की बात कर रहे हो तुम, समझ गए ना कुल मिलाकर। चलिए जी आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है। हाँ नेक्स्ट है, नेक्स्ट अरिस्टोटल्स फॉलेसी, ये लिखेंगे। अब ये मतलब सीबीएसई में सिलेबस में भी मेंशन है, सिलेबस में मेंशन है ये, और एनसीईआरटी में भी दे रखा है, लेकिन कभी पूछा नहीं जाता, फिर भी नोट कर लीजिए। थोड़ा सा ये छोटा सा टॉपिक है कि है क्या वो देख लीजिए। हाँ बीच में कुछ बोल रहा हूँ या समझ में नहीं आ रहा?
नहीं, नोट करें, एक स्टेटमेंट है इसका छोटा सा, उससे समझ में आ जाएगा। फर्जीवाड़ा, फर्जीवाड़ा झूठ, फॉल्स से बनाया है इसको, ठीक है, नोट करें। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटलियन लॉ ऑफ मोशन, नोट करिए स्पेलिंग इसकी, अकॉर्डिंग टू अरिस्टो, बेटा ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? नहीं, अरिस्टो टोटल ने एक लॉ ऑफ मोशन बनाया था, उसमें ये था, एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू कीप अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सदियों तक, सालों तक यही चलता रहा, अरिस्टोटल का जो लॉ ऑफ मोशन था। अरिस्टोटल का लॉ ऑफ मोशन ये कहता था कि किसी भी बॉडी को अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलना है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बाइसिकल चला रहा हूँ और बाइसिकल को मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलाना चाह रहा हूँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मान लो 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अब आप समझना इसको लॉ को, तो एक एक्सटर्नल फोर्स जरूरत है तभी वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन रहेगी, वो वेलोसिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो ये सुनकर क्या लगता है, ठीक है ये तो लॉ, ये लॉ तो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि कुछ सालों के बाद ये लॉ जो है ये फॉल्स साबित कर दिया गैलीलियो ने, गैलीलियो ने इस लॉ को फॉल्स साबित कर दिया। रूल तो ठीक है ना, कि अगर मेरे को साइकिल चलानी है तो साइकिल चलानी है और एक पर्टिकुलर स्पीड पर मेंटेन रखनी है उस स्पीड को, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर वेलोसिटी मैं मेंटेन रखूं, उसी वेलोसिटी पर मैं चलूं, ना बढ़े वेलोसिटी ना कम हो, तो रूल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन गैलीलियो ने कैसे रॉन्ग प्रूव करा इसको। हाँ, बताओ बताओ। देखिए, गैलीलियो ने इंट्रोड्यूस करा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर चलने के लिए जो फोर्स लगाई जाएगी दैट शुड ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिर बॉडी स्टॉप ही नहीं होगी, बॉडी रुकेगी ही नहीं, और जब बॉडी रुकेगी ही नहीं तो फिर फोर्स क्यों लगवा रहे हो आप जबरदस्ती। इन्होंने यही तो कहा कि एक एक्सटर्नल फोर्स आपको कंटिन्यूअसली लगानी पड़ेगी एक बॉडी को मोशन में रखने के लिए, फ्रिक्शन का तो कोई जिक्र नहीं था। गैलीलियो ने यह कहा कि वो फोर्स लगानी ही क्यों पड़ेगी, अगर आपने फोर्स लगा दी तो हमने ये देखा कि जब फोर्स हमने लगा दी तो वो फोर्स खत्म कहाँ पर हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है, ठीक है। दो स्टेटमेंट लिखवाता हूँ गैलीलियो की, नोट करें। लेटर ऑन अरिस्टोटल्स लॉ वाज प्रूव्ड रॉन्ग बाय गैलीलियो, उसने उसको लॉ को रॉन्ग प्रूव कर दिया। गैलीलियो ही सेड दैट
दो पॉइंट्स उसने बोले थे. ही सेड दैट एक्सटर्नल फोर्सेस वर नेसेसरी टू काउंटर. ही सेड दैट एक्सटर्नल फोर्सेस वर नेसेसरी टू काउंटर एक्सटर्नल फोर्सेस वर नेसेसरी टू काउंटर द अपोजिंग फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन काउंटर द अपोजिंग फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन टू कीप. हाँ, फ्रिक्शन टर्म देती थी. टू कीप बॉडीज इन यूनिफॉर्म मोशन. टू कीप बॉडीज इन यूनिफॉर्म मोशन. टू कीप बॉडीज इन यूनिफॉर्म मोशन. फिर इफ देयर वर नो फ्रिक्शन इफ देयर वर नो फ्रिक्शन नो एक्सटर्नल फोर्स वुड बी नीडेड टू मेंटेन. नो एक्सटर्नल फोर्स वुड बी नीडेड. नो एक्सटर्नल फोर्स वुड बी नीडेड टू मेंटेन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी. शायद समझ में आ गया होगा. ये कई बार क्या होता है कि रूल्स जो हैं वो बनते हैं और रूल्स बनते हैं और कोई उस पर ध्यान नहीं देता कि ये रूल ठीक था या गलत था. फिर नेक्स्ट कुछ सालों बाद कोई रिसर्चर आता है, वो देखता है कि अरे इसमें तो ये मेरे को फॉलेसी नजर आ रही है. फॉलेसी मतलब ये कमी नजर आ रही है. तो अरिस्टोटल्स के लॉ की जो फॉलेसी थी वो ऑब्जर्व गैलीलियो ने करी. अरिस्टोटल का लॉ एट अ ग्लांस अगर हम देखें तो बिल्कुल गलत नहीं लगता कि भाई मेरे को फोर्स तो लगातार लगानी ही पड़ेगी ना. अब एक बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए, अच्छा फ्रिक्शन भी तब तक मतलब पता चल चुका था फ्रिक्शन के बारे में, लेकिन किसी ने इस एंगल से सोचा ही नहीं जैसे गैलीलियो ने सोचा. तो गैलीलियो ने कहा कि ही सेड दैट एक्सटर्नल फोर्सेस वर नेसेसरी टू काउंटर द अपोजिंग फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन टू कीप बॉडीज इन यूनिफॉर्म मोशन. तो बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो हम लगा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं ना हम, तो पैडल हम ही घुमा रहे हैं तो हम ही ताकत लगा रहे हैं. तो वो एक्सटर्नल फोर्स किस काम आ रही है? वो फ्रिक्शन को काउंटर करने के काम आ रही है, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के काम आ रही है. ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए डायरेक्टली जरूरी नहीं है. वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर रही है. क्यों? क्योंकि अगर फ्रिक्शन ना होता तो मैं तो एक बार पैडल घुमाऊंगा और साइकिल चलती ही जाएगी, क्योंकि कोई अपोजिंग फोर्स ही नहीं है. अपोजिंग फोर्स अगर फ्रिक्शन है ही नहीं तो तब तो हमें फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स उसने समझाए. देन अरिस्टोटल्स लॉ ऑफ मोशन वाज प्रूव्ड रॉन्ग. ठीक है, तो ये चीज अगर पूछी जाए तो बता देना एग्जाम में. वैसे कभी मैं तो जब से पढ़ा रहा हूं मैंने देखा है कि ये पूछा नहीं जाता एग्जाम में, और बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में पूछने के लिए. तो अगले देखेंगे, नेक्स्ट आप नोट करेंगे. इनर्शिया जानते हैं? इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया, हम बैठे हुए हैं और बैठे हुए हमने क्या करा कि हमने फैन चल रहा है, फैन हमने ऑफ कर दिया. तो क्या फैन एकदम ब्रेक लग जाते हैं, एकदम रुक जाता है क्या वहीं की? नहीं, धीरे 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 घूमता रहता है, फिर फाइनली आकर रुकता है. ठीक है, मैं अगर बड़ी तेजी से दौड़ रहा हूं और कोई अचानक से कहते लगा भाई ब्रेक लगा दे यहीं पर, यहीं रुक जा, क्या रुक पाओगे? नहीं रुक पाओगे. ठीक है, थोड़ा सा आपको ताकत लगानी पड़ेगी, कोशिश करोगे, लेकिन फिर भी आप 1 इंच या 2 इंच तो थोड़े से खिसक ही जाओगे. बाइक पर भी अगर हम हैं या स्कूटर पर भी हैं, ब्रेक लगाते हैं, कितने भी एडवांस ब्रेक्स क्यों ना हो,
वो वहीं पर नहीं रुकेंगे क्योंकि फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वो स्किड लगी जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है कि अगर वो रेस्ट में है तो वो कहेगी कि मुझे कोई छेड़ो मत, मैं रेस्ट में ही रहना चाहती हूँ। कोई भी बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है। तो अब इसको कहते हैं हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि कोई भी बॉडी है वो रेस्ट में रहना चाहती है। कैसे, ये टेबल रखी हुई है यहाँ पर, तो कैसी, ये भी एक बॉडी है ना, नॉन लिविंग बॉडी है, तो ये टेबल अपने आप तो नहीं चलेगी ना जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तो ये टेबल रेस्ट में ही रहना चाहती है। इसका मतलब, तो दिस इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया बेसिकली क्या होता है, स्टेट होती है, स्टेट मतलब एक पोजीशन होती है। फिर दूसरा ये है, मैंने बॉल को लिया, बॉल को फेंक दिया। अब बॉल को जब हमने फेंका तो वो बॉल चलते ही रहना चाहेगी क्योंकि अब वो मोशन में आ गई। अगर मैं रेस्ट में हूं तो मैं रेस्ट में रहना चाहूंगा, अगर मैं मोशन में हूं तो मोशन में रहना चाहूंगा। तो वो रुकती कैसे है फिर, फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है। फ्रिक्शन खत्म कर दो तो वो सारी जिंदगी चलती रहेगी, बॉल रुकेगी नहीं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है बॉडी की जो उसको रेस्ट में ही रखना चाहती है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक प्रॉपर्टी है जो उसको मोशन में ही रखना चाहिए, उसको कहेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। ये शायद आपने पढ़ रखा होगा पहले, जो दोनों चीजें मैंने आपको बताई हैं। एक होता है बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वो हम अब पढ़ेंगे क्योंकि हम वेक्टर्स पढ़ चुके हैं, तो अब हमें डायरेक्शंस की ठीक ठाक नॉलेज है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये है कि अगर कोई बॉडी हमारी जो वो है ना, जो क्लॉक है, तो क्लॉक की जो नीडल्स हैं वो क्लॉकवाइज घूमती हैं, है ना, वो क्लॉकवाइज ही घूमती रहेंगी हमेशा जब तक कि मैं जबरदस्ती उसको खोलकर उसको घुमाना दूं उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, एक्सटर्नल फोर्स जब तक ना लगाएं। तो जो उसकी डायरेक्शन है वही डायरेक्शन रहेगी जब तक कि मैं चेंज नहीं करता या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसको चेंज ना करे। अच्छा, फैन का कभी एक्सपेरिमेंट करके देखा है, फैन कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज घूमता है फैन हमेशा। ठीक है, तो ये बचपन से 11th क्लास में आ गए हो, अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। अब एक बहुत नई चीज बताता हूँ आपको, फैन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, दुनिया का कोई भी फैन उठा लो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब फैन के जो वायर्स होते हैं वो अंदर से जा रहे हैं, दीवार के अंदर से जा रहे हैं, कभी फैन खुले तो फैन का जो वायर होता है वो आप पलट कर लगा कर देख लेना, यही क्लॉकवाइज घूमने लगेगा फैन। ठीक है, मोटर लगी हुई है ना तो दोनों तरफ घूम सकता है, रुके हुए फैन को उल्टा घुमा कर देख लो, घूम जाएगा, ऐसा थोड़ी है उस तरफ ब्रेक लगे हुए घूमेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप क्या करें, आप सिंपली जो वायर लगे हुए हैं आप वायर को पलट कर देख दो, आपका यही फैन जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो ही आपका क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, तक करेगा। बहुत सही चीज, यही मैं बताने वाला था, हवा देगा लेकिन ऊपर छत को हवा मिलेगी, फिर आपको नहीं मिलेगी हवा। ठीक है, चलिए जी, तो जो इलेक्ट्रिशियन आते हैं जब घरों में वायरिंग वगैरह होती है, तो इलेक्ट्रिशियन इस चीज का ध्यान रखते हैं कि वायर लगाना किस तरह से, पता चले कि पंखा हवा किसकी कर रहा है पता ही नहीं, बैठे हुए पसीने बह रहे नीचे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फैंस हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और क्लॉकवाइज घुमाना हो, कभी पंखे लेने हो तो ले लेना। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। अब आप नोट करें, इनर्शिया एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो पहले इनर्शिया लिखो, सिर्फ इनर्शिया, सिर्फ इनर्शिया लिखेंगे पहले, 1 मिनट का टाइम दीजिए, आ रहा हूं अभी।
इनर्शिया में नोट करेंगे, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल बॉडी द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल बॉडी द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज by itself comma its state of rest or of uniform motion its state of rest or of uniform motion in a straight line is called inertia next point likhe inertia means इनर्शिया मीन्स रेसिस्टेंस टू चेंज रेसिस्टेंस आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस पढ़ा है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में जो रुकावट होती है उसको हम रेसिस्टेंस बोल देते हैं तो किसी भी वायर का जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा है तो वो क्या करेगा वो उतना ही करंट को कंज्यूम करेगा ठीक है तो वही चीज है इनर्शिया मीन्स रेसिस्टेंस टू चेंज मतलब किसी भी तरीके का चेंज बर्दाश्त नहीं है किसी भी बॉडी को रेसिस्ट करता है मतलब अपोज करता है चेंज का रेस्ट में बैठी है बॉडी तो वो अपोज करेगी उसकी टेंडेंसी ये होगी कि मैं रेस्ट में ही रहना चाहती हूँ मुझको आप फोर्स मत लगाइए ठीक है कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो रुकना नहीं चाहती वो तो जबरदस्ती फ्रिक्शन उस पर फोर्स लगाकर उसको रोकता है ठीक है तो इनर्शिया मीन्स रेसिस्टेंस टू चेंज उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया फ्रिक्शन को रिड्यूस करा जा सकता है हटाया नहीं जा सकता ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल एविल मतलब शैतान है वो फ्रिक्शन परेशान करता है हमें हमारी एनर्जी वेस्ट करवाता है ठीक है लेकिन नेसेसरी भी है वो मतलब वो एक जरूरी शैतान है ये एक ऐसा टॉपिक है फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल हर स्कूल के हर एग्जाम में आता जरूर है ठीक है और इसका एक प्रॉपर प्रूफ भी है मतलब इसकी डेरिवेशन भी आती है फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल की करेंगे वो हमारे सिलेबस में है वो शैतान तो इस सेंस में है कि बिना उसके हम कर नहीं सकते और नेसेसरी क्यों है लिख भी नहीं सकते आप बिना उसके भाई अगर सोचो अगर जरा सा भी फ्रिक्शन ना हो तो आप लिखोगे वो हाथ तो फिसलता चला जाएगा लिख ही नहीं पाओगे तो जहां जरूरी है वहां बहुत ज्यादा जरूरी हाँ ये तो बहुत अच्छा है 1.5 साल से वैसे ही लिखने की प्रैक्टिस छूटी पड़ी है चलिए जी इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज इसमें नोट करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया बेटा पहला लिखेंगे द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट सॉरी फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट में लिखिएगा द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट
टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे इसका। एग्जाम्पल नोट करिएगा, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस A person standing in a bus falls backward when the bus falls backward when the bus suddenly starts moving forward. अब आप ये देखिएगा, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक बॉडी की टेंडेंसी कि वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, उस टेंडेंसी को हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोल देते हैं। उसकी जो वो प्रॉपर्टी है, उसकी जो वो टेंडेंसी है, उसी को इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोल देते हैं। एग्जाम्पल कुछ समझ में नहीं आ रहा। अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। अब याद रखिएगा कि होता क्या है कि जैसे एक कोई भी इंसान है, वो बस में खड़ा हुआ है, ठीक है, तो जो उसके जो पैर हैं वो पैर बस का ही हिस्सा हैं, क्योंकि वो बस के साथ में टच्ड है, बस के साथ में कनेक्टेड है वो उसके जो पैर हैं, ठीक है। अब बस ने अचानक से, बस रेस्ट में थी, बस ने अचानक से चलना शुरू कर दिया, तो क्योंकि जो उसके पैर हैं वो चिपके हुए हैं बस के साथ में, भाई एक तरह से बस के ऊपर खड़े हुए हैं तो बस के साथ टच्ड है, तो जो उसके पैर हैं दैट फॉर्म्स द सिस्टम ऑफ द बस। अब वो जैसे ही बस ने चलना शुरू करा तो उसके पैरों ने तो एकदम से चलना शुरू कर दिया, लेकिन जो अपर बॉडी थी, अपर बॉडी तो रेस्ट में ही रहना चाहती थी, परेशान कर दिया आज इन्होंने। 1 मिनट में आ रहा हूं बेटा। तो ये होता है कि जैसे ही बस ने चलना शुरू करा तो जो लोअर पार्ट है हमारी बॉडी का, यानी कि जो पैर हैं वो कनेक्टेड हैं, लेकिन जो अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन तो रेस्ट में था, वो हवा में था, रेस्ट में था और रेस्ट में ही रहना चाहता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो लोअर पोर्शन है, लोअर पोर्शन ने तो बस के साथ एकदम चलना शुरू कर दिया, और अपर पोर्शन तो रेस्ट में ही रह गया, तो लोअर पोर्शन आगे निकल गया, अपर पोर्शन पीछे रह गया, तो इस वजह से हमारी बॉडी ऐसे पीछे को जर्क लगता है हमारी बॉडी पर। तो होता क्या है कि क्योंकि बॉडी जो है वो आपस में तो कनेक्टेड है, ठीक है, बॉडी आपस में कनेक्टेड है, तो क्या होता है कि क्योंकि कनेक्टेड है तो फिर हम धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं, नहीं तो इनिशियली तो जर्क ऐसे पीछे को इसी वजह से लगता है, क्योंकि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कनेक्टेड नहीं है और जो लोअर पोर्शन है वो बस की सरफेस के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है। ये समझ में आ गया इतना। इसके बाद में नेक्स्ट आप नोट करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन
टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इन इट्स स्टेट ऑफ इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। एग्जाम्पल जस्ट इसका उल्टा लिखेंगे और आप समझ जाएंगे। इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन, जिसको ना आए प्लीज बताना। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों को सबको समझ में आ रहा है? शांत बैठे हुए हैं सब? आस्था, यस सर, नित्या, विदुषी, यश, क्लियर है सभी को? यस सर, चलिए ठीक है, आगे आगे चलते हैं। इसका एग्जांपल नोट करें। व्हेन अ मूविंग बस सडनली स्टॉप, व्हेन अ मूविंग बस सडनली स्टॉप्स, व्हेन अ मूविंग बस सडनली स्टॉप्स, अ पर्सन सिटिंग इन इट फॉल्स फॉरवर्ड, अ पर्सन सिटिंग इन इट फॉल्स फॉरवर्ड। अब जरा समझना, अब पहले वाले में तो पर्सन खड़ा हुआ था, स्टैंडिंग था। अभी क्या है कि वो सिटिंग है, सिटिंग पोजीशन में है। तो सिटिंग पोजीशन में आप ये देखिएगा कि बॉडी का कौन कौन सा पार्ट है जो कनेक्टेड है। अब आप ये देखें कि एक तो जो हमारी बैकबोन है, पूरी की पूरी जो पीठ है, वो पूरी की पूरी जो पीछे हम लगाकर सपोर्ट लगाकर बैठ जाते हैं, तो एक तो वो कनेक्टेड है बस के एक पार्ट के साथ में, जो सीट के साथ में, ठीक है। हमारे जो हिप्स हैं, जो थाइज हैं, वो सब कनेक्टेड हैं क्योंकि हम बैठे हुए हैं, ठीक है। जो हमारा लोअर पोर्शन है, यानी कि नीज, नीज से लेकर और नीचे टोज तक का जो पोर्शन है, तो वो वाला जो पोर्शन है, क्योंकि हमारे जो फुट है वो पूरे के पूरे फ्लोर पर चिपके हुए हैं, तो इसका मतलब हमारा यहां से लेकर और नीचे तक का पूरा पोर्शन कहीं ना कहीं बस के किसी ना किसी पार्ट से टच हो रखा है, टच्ड है, ठीक है। तो यानी कि उसने बस के सिस्टम का पार्ट बना हुआ है वो पूरा हिस्सा हमारी बॉडी का, ठीक। और जब बस अचानक से रुकती है तो झटका कहाँ लगता है? नेक में ही लगता है सबसे पहले, गर्दन ऐसे आगे को होती है, ठीक है। जैसे ही सडनली चलती हुई बस रुकती है तो गर्दन एकदम आगे को होती है, थोड़ा सा अपर पोर्शन, थोड़े से कंधे होते हैं, तो वो वाला पोर्शन है जो कि पीछे सीट के साथ में चिपका हुआ नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि जो पोर्शन मोशन में था, जो चिपका हुआ था, वो तो तुरंत उसके रुकने के साथ ही रुक गया, ठीक है। लेकिन जो हमारा हेड था, वो हेड तो मोशन में ही जाना चाह रहा है। हम बस चलती जा रही है तो हमारा हेड तो ऐसे सीधे 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 चलना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन आपने ब्रेक लगा दिए, तो बाकी की बॉडी तो रुक गई, हेड आगे को जाने को हो गया कि आगे को गिरेगा जाकर, ठीक है। तो वो रुका क्यों? वो रुका इस वजह से क्योंकि हमने क्या करा, क्योंकि हमारी जो हेड है वो हमारी बॉडी से कनेक्टेड है, वो इस वजह से रुक गया। वहीं दूसरी तरफ आप क्या करिए कि यूनिफॉर्म मोशन में सड़क जो है वो बिल्कुल स्मूथ है, यूनिफॉर्म मोशन में एक बस चल रही है, हमने क्या करा, हमने कॉइन रख दिया अपने सर के ऊपर, ठीक है। तो अचानक से ब्रेक लग गए तो हेड को झटका लगेगा क्योंकि वो बॉडी से कनेक्टेड है, तो वो रुक जाएगा। लेकिन जो कॉइन है, वो कॉइन तो बॉडी से कनेक्टेड नहीं है ना, तो कॉइन एकदम आगे की तरफ जाएगा मोशन में, ठीक है। और उसको रोकेगा कौन, उस मूविंग कॉइन को रोकेगा कौन? फ्रिक्शन, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया? दोबारा बोलो क्या? जब लेटे होते हैं तब? बस बस में कभी लेटा तो नहीं मैं वैसे। वो भी ऐसा ही है कि जब हम लेटते हैं तो बॉडी का एक पोर्शन तो कनेक्टेड रहता है और एक पोर्शन हवा में रहता है, तो वो वाला पोर्शन ही आगे की तरफ मुड़ जाता है। आप सोचो, मैं सोच रहा हूँ ऐसे कि अगर लंबी सीट है और मैं उस पर लेटा हुआ हूँ, तो जो मेरा लोअर पोर्शन है बॉडी का पूरा वो तो कनेक्टेड है, और जो अपर पोर्शन है वो ऐसे मुड़ जाएगा क्योंकि वो आगे की तरफ जाना चाहेगा लेकिन बॉडी रोक लेगी, ठीक है। समझ गए सभी को? क्लियर है?
अच्छा, और दूसरी चीज आस्था, जो तुम पूछ रहे हो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन सिर्फ इस वजह से बताया जा रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन में ना इन इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी को स्टडी करना आसान होता है। क्यों? यूनिफॉर्म मोशन वो है जिसमें बॉडी एक ही वेलोसिटी के साथ चलती जा रही है, ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये है कि अचानक से स्पीड बढ़ा दी, अचानक से ब्रेक लगा दिए, अचानक से कहीं मुड़ गए, तो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जहां पर स्पीड का वेरिएशन बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है, तो वहां पर तो लगातार ही इनर्शिया पूरा ही डिस्टर्ब रहेगा, कभी झटका आगे की तरफ लग रहा है, कभी पीछे की तरफ लग रहा है, कभी टिल्ट हो रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसलिए स्टडी करने के लिए यूनिफॉर्म मोशन बोला जा रहा है। बाकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी इनर्शिया के लॉस बराबर एप्लीकेबल हैं। ठीक है, समझ गए? ठीक सर, है, अब अगला देखिए, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इधर लिख रहा हूं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसमें लिखे हैं द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ, द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी, द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ, द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाई इट सेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका एग्जाम्पल नोट करें, व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न, व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न, कॉमा अ पर्सन सिटिंग इन द बस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व्ड पाथ, of the curved path due to his tendency to move in the original direction, due to his tendency to move in the original डायरेक्शन। ये जो एग्जाम्पल में समझाया है कि एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व्ड पाथ, ठीक है, वो जो कर्व्ड पाथ है उस कर्व्ड पाथ का सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये देख लीजिए।
पहले तो इस एग्जाम्पल को आप ऐसे ही समझ लीजिए, जैसे कि हम सब लोग मान लीजिए बस में बैठे हुए हैं और बस बिल्कुल सीधी सीधी चल रही है, फिर अचानक से बस को टर्न लेना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए बस जा रही है बिल्कुल सीधे सीधे, बस ऐसे सीधे सीधे जा रही है, हम सब लोग भी सीधे बैठे हुए हैं उसमें, और बस को अब हमारी बॉडी की जो टेंडेंसी है, जो हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, वो ये कहता है कि हम सीधी सीधी डायरेक्शन में ही चलना चाह रहे हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट को 1 मिनट के लिए भूल जाओ, इनर्शिया ऑफ मोशन को 1 मिनट के लिए भूल जाओ। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कब एप्लीकेबल होगा? जब रुकी हुई बस चलेगी, ठीक है? तो रुकी हुई बस नहीं चल रही है, ये चल ही रही है बस, ठीक है, ये चल ही रही है मोशन में। इनर्शिया ऑफ मोशन कब एप्लीकेबल होगा? जब चलती हुई बस रुकेगी, तो चलती हुई बस रुक नहीं रही है, सिर्फ अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो इसका मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन भी यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ काम करेगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हमारी बॉडी की ये टेंडेंसी है कि बस सीधी सीधी चल रही है, तो हमारी बॉडी भी सीधा सीधा ही चलना चाहेगी। अब बस ने क्या करा? बस ने ऐसे इधर टर्न ले लिया, ठीक है, सीधे 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 आते हुए बस ने इस तरफ टर्न ले लिया, हमारी बॉडी बेचारी सीधी ही चलती रह गई, बस इधर मुड़ गई। तो इस वजह से हम थोड़ा सा ऐसे लगता है कि जैसे हम इस तरफ को गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी भी तो बस के साथ साथ ऐसे मुड़ गई, लेकिन बॉडी तो अभी सीधा ही चलना चाह रही थी, तो इस वजह से हम बस का हिस्सा हैं। तो बस में बैठे हुए ऐसा लगता है कि हम जैसे राइट साइड को ऐसे गिर जाएंगे, ठीक है। बस वाला अगर राइट में टर्न लेगा, अगर सीधे सीधे चलते हुए, तो मेरी बॉडी की टेंडेंसी क्या है कि हम सीधे चल रहे हैं, बस वाला अगर राइट में टर्न लेगा तो मेरी बॉडी भी राइट में मुड़ गई, लेकिन बॉडी की टेंडेंसी ये थी कि वो इसी डायरेक्शन में चलना चाह रही थी, तो बॉडी तो सीधी चल रही है, लेकिन बस के अंदर हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम लेफ्ट की साइड झुक रहे हैं, हम लेफ्ट की साइड गिरते जाएंगे, तो वो आगे जो वो लगा रहता पोल उस पर, तो उसको पकड़ के हम लोग अपने आप को स्टेबल रखते हैं। ये सभी को क्लियर है? बताइए, ये सभी को क्लियर है इतना? और एक्टिंग अवे जो यहां पर लिखा हुआ है कि अ पर्सन सिटिंग इन द बस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व्ड पाथ, ये क्या है? सोचो कि ये बस है और बस का टॉप व्यू है, बस का टॉप व्यू है, हम ऊपर से देख रहे हैं, और ये एक रोड है, ये बस इस रोड पर आगे इस तरफ से जा रही है, तो ये ऐसे घूमती है, टर्न लेती है, ठीक है। तो जैसे ये टर्न लेती है, तो इसमें जो पर्सन बैठा हुआ है, मान लीजिए ये पर्सन है कोई, तो ये पर्सन को इस तरफ फोर्स लगेगा। भाई जब ये लेफ्ट में मुड़ रही है बस, तो हम राइट में झुक जाएंगे थोड़ा सा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। तो ये जो कर्व्ड पाथ है, अगर इसी को मैं कंप्लीट कर दूं तो एक सर्कल बन जाएगा, तो सर्कल का सेंटर बन जाएगा, और सर्कल का सेंटर बनेगा तो जब बस यहां पर आई, तो उसमें बैठा हुआ जो पर्सन है वो बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये सेंटर से बाहर की तरफ जाती हुई फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसको रोकेगा कौन? उसके खुद के हाथ, जो वहां पर पाइप लगा हुआ है वो उसको पकड़ कर बैठ जाएगा, तो वो जाएगा नहीं ऐसे। सभी को क्लियर है? हाँ, बस तो इतना कर लीजिए आज, और आप लोग प्रिपेयर रहिएगा कि कल मैं नाइट में 9 बजे आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ फिजिक्स की, ठीक है? तो प्रिपेयर रहिएगा, मैसेज चेक कर लेना, मैं शाम को मैक्सिमम 4, 5 या 6 बजे तक मैसेज कर दूंगा, फिर रात को 9 बजे क्लास होगी, वो ऑनलाइन ही होगी बस। आज नहीं आज नहीं बेटा, कल कल ओके सर, थैंक यू। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे ना। ओके ओके।